हेलो स्टूडेंट्स, इन आर बिज़नेस स्टडीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस. नाउ टुडेज टॉपिक इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ प्रोफेशन. इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब प्रोफेशन जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि हम जो एक्टिविटी करते हैं अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए जो हम काम करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. तो प्रोफेशन भी एक वही है जिसको हम अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी अपना ऑक्यूपेशन अपनाते हैं, दैट इज़ प्रोफेशन. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल. अब प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है. किसी भी जो भी हम ऑक्यूपेशन कर रहे हैं उसकी हमें एक स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशलाइज स्किल हमें चाहिए होता है. जैसे मान लीजिए हमें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर आईज़ के डॉक्टर अलग होते हैं, टीथ के डॉक्टर अलग होते हैं, ईयर के डॉक्टर अलग होते हैं. तो उन्होंने उस चीज़ में पर्टिकुलर में स्पेशलाइजेशन कर लिया है ना. ऐसे ही लॉयर्स के साथ भी होता है. अब लॉयर सिविल लॉयर भी होते हैं और क्रिमिनल लॉयर्स भी होते हैं, है ना. कुछ लैंड एक्विजिशन के होते हैं जो सिर्फ लैंड का केस देखते हैं. तो ये अलग अलग फील्ड होता है इसके अंदर, सही. अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं. जैसे हमारा जो फर्स्ट फीचर है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. अब ये जो आपका फर्स्ट है, ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज हमें क्लियर करना पड़ता है. मतलब अगर आप किसी प्रोफेशन में जा रहे हो, मान लो आपने डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल लेना पड़ेगा, है ना. मेडिकल लाइन से ही आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी होगी जब आप जाकर डॉक्टर बन सकते हैं. या आपको लॉयर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन में अपना LLB करना पड़ेगा, या आगे LLM आप करें जब आप लॉयर बन सकते हैं. या आपको CA या CS बनना है तो आपको CA और CS के एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप वो बन सकते हैं, है ना. तो आपको एक प्रॉपर उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप उस फील्ड में एंटर कर सकते हैं और तभी आप प्रोफेशनल कहला सकते हैं. अगला है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों है ये? अगर मान लीजिए कि मैंने स्टार्टिंग से कॉमर्स लिया और मैं आज एकाएक सोचूं कि चलो अब मैं डॉक्टर बन जाती हूँ, तो ये आज के लिए पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. बिकॉज मैंने जो अपनी सारी स्टडीज़ हैं वो कॉमर्स फील्ड से करी हैं, तो मैं डॉक्टर तो अचानक बन नहीं सकती हूँ. डॉक्टर तो हाँ, अब जैसे 10th वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 10th पास आउट करा, उन्हें 11th में वो लोग चूज़ कर सकते हैं. उनके पास अभी टाइम है कि उन्हें डॉक्टर बनना है तो वो बायो लें, और अगर उन्हें बिजनेस फील्ड में जाना है तो वो कॉमर्स लें. तो हर टाइम हर जगह हम लोग नहीं फिट हो सकते हैं कि कभी भी हमारा जो मन करे हम वो काम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर. थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन. अब अगर आपने उस तरह की पढ़ाई भी कर ली, मान लीजिए आपने लॉयर भी बन गए आप, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी कुछ बॉडीज़ होती हैं जहाँ से अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आप लॉयर बन सकते हैं. खाली पढ़ाई करने से ही काफ़ी नहीं है, आपको उस चीज़ में जाके रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, ठीक. अगला है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं तो हमें उसका कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा. मतलब जैसे आपने डॉक्टर को देखा, वो लॉयर को देखा होगा, जब वो कोर्ट में जाते हैं तो ब्लैक कलर का कोट उनका होना चाहिए, और गले में भी वो अपना एक क्रॉस डाले रखते हैं. तो ये चीज़ें क्या है, वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं कि जज के सामने उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और अगर कुछ बोलना है तो उसका क्या आपको रीज़न भी देना है. ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती हैं. ऐसे ही डॉक्टर का भी होता है कि भाई डॉक्टर अगर आप बन गए हैं तो आपको डॉक्टर के हिसाब से काम करना पड़ेगा. अगर कोई केस आए और वो केस पुलिस केस है तो आपको पहले पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले साइन करवाने पड़ेंगे. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस कोड ऑफ कंडक्ट का आपको फॉलो करना पड़ता है. अगला है हमारा सर्विस मोटिव. सर्विस मोटिव का मतलब होता है कि हम जो हेल्प करें दूसरों को, मतलब हमारा खाली पैसा कमाना ही हमारा एम नहीं होना चाहिए, हम दूसरों को सर्व कर रहे हैं सोसाइटी में. हाँ भाई, लाइवलीहुड तो वो इसी चीज़ से कमाएगा, डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो चाहे कोई, उसे काम करके ही पैसा मिलेगा, तो वो चीज़ तो एक अलग है. बट आपको पहला ध्यान जो है वो इस चीज़ पे भी रखना पड़ेगा कि आप सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हो, ठीक. अब इसको हम देख लेते हैं कि ये फीचर्स हमारे मैनेजमेंट में कहाँ तक पूरे उतर रहे हैं. जैसे पहला फीचर था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये फुलफ़िल करता है ये क्राइटेरिया. कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरीज और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा अगर आपने नहीं भी कर रखा है, मतलब आपने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं कर रखी है, तब भी आप मैनेजर तो बन ही सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है.
अब है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके अंदर यही कि आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं करनी, अगर आपके पास आपने एमबीए नहीं भी कर रखा है लेकिन आपके पास पैसा है, आपके पास आइडियाज़ हैं, तो आप मैनेजर बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपना बिजनेस स्टार्ट करके। मतलब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड, प्रोफेशनल्स तो बाउंड होते हैं बट बिजनेस में ऐसा कोई वो नहीं चलता। हाँ, बिजनेस में आपको वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन का तो ख्याल रखना पड़ेगा बट कोई यूनिफॉर्म या कुछ इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। सर्विस मोटिव, इस मैनेजमेंट में भी आपको सर्व करना है सोसाइटी को, आपको गुड्स बनाने हैं और वो गुड्स ठीक हो, अच्छी क्वालिटी के हों, ये हो, इनसे भी आप इंश्योर कर ही रहे हैं अपनी सोसाइटी को। ठीक, तो ये सारे हमारे हो गए फीचर्स और इनका जो हमारा क्राइटेरिया था। अब हम इसको कंक्लूजन देख लें। देखिए इसका कंक्लूजन, जैसे मेरिट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यस ये कंप्लीट आर्ट है। ठीक, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये सॉफ्ट साइंस है क्योंकि सारे रूल्स इसमें नहीं मिले थे। कौन से नहीं मिला था? यूनिवर्सल वाला, जो कि कोई फॉर्मूला या कोई एक्सपेरिमेंट है वो साइंस का तो हर जगह वैलिड है एक सेम, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो ये सॉफ्ट साइंस है या फिर एग्जैक्ट साइंस, इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक, प्रोफेशन, और प्रोफेशन भी ऐसा कुछ फुलफिल नहीं करता है क्योंकि मैनेजमेंट में तो कोई ऐसी कोई पढ़ाई पर्टिकुलर नहीं है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो जाते किसी जगह, आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। तो ये हमारा आज का कॉन्क्लूजन था जो हमने तीनों चीज़ें पीछे पढ़ी हैं।